हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्ल ब्लॉगर। और ये देखो सानवी को पैर रंगवाते हुए, डेली ये रंगवा रही है अभी पैर। इसको बहुत ही अच्छा लग रहा है कलर करवाना। देखो कितना शांति से बैठ के कलर करवा रही है। और ये देखो, ये हम लोग का खरना का प्रसादी भी बन रहा था। हाँ, कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि कल बहुत बिजी हो गए थे और थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो गया था इसके कारण। और ये देखो, कल हमारे यहाँ पूजा भी हुआ था सत्यनारायण स्वामी का। और ये हमारे पंडित जी को तो आप लोग जानते ही होंगे, हमारे पुरोहित जी हैं। और ये हमारी आंटी हैं साइड में बैठी हुई, और भैया पूजा करवा रहा है। और देखो सत्यनारायण स्वामी, मतलब कितना अच्छा से पूजा होता है ना, और घर भी शुद्ध हो जाता है। और ये देखो सानवी और मेरी बहन, देखो ये कैसे बदमाशी कर रही है। और कल पलंग पे से भी गिर गई तो माथा छिल ली है। और ये देखो, आप लोग बताओ आप लोग का छठ पूजा कैसा जा रहा है। और अब कथा भी हो रहा है। और ये मम्मी मेरी आंटी सब हुमात दे रहे हैं, और ये मेरी बहन दोनों। और ये सानवी बहुत बदमाशी करना सीख गई है, बहुत ही ज़्यादा है। मतलब इतना परेशान कर देती है और चोट भी लगा लेती है खुद को। और ये देखो फिर आरती हो रहा है। और ये मम्मी लोग फिर ऊपर में, मतलब जो उनका पूजा करना था खरना का, तो वो कर रही हैं। पहले वहाँ पे धोई, फिर वहाँ पे सारा प्रसादी रख रही हैं जो मतलब रखा जाता है वो प्रसादी। फिर सत्यनारायण स्वामी का जो चरणामृत था, प्रसादी था, तो वो भी मिला रही हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि भगवान जी क्या था ना इसलिए। और ये देखो, और आप लोग बताओ आप लोग के साथ छठ होता है कि नहीं, आप लोग कहाँ कहाँ से हो ये भी बताओ। और ये देखो फिर हाथ जोड़ ली मम्मी ने। आप लोग बताओ आप लोग का छठ पूजा कैसा जा रहा है। मेरा तो खैर अच्छा जा रहा है। और प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो प्लीज प्लीज। सो इतना ही, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।